हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अ हैप्पी वेलकम टू ऑल हु आर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइस, दिस इज सोहेल सर योर सोशल साइंस टीचर टुडे, वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड सिविक्स बुक अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स के सिविक्स का पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिस चैप्टर का टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आज हम इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताऊँगा तो टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए ओके स्टूडेंट्स सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी बिगिन चैप्टर नंबर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन डेट अराइजेस इन योर माइंड वट इज डाइवर्सिटी तो पहली बात है जो इन आपके दिमाग में आएगी कि डायवर्सिटी क्या होता है तो इन शॉर्ट डायवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ थिंग्स इसको आम भाषा में हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी डि, डि, मीन्स होता है विविधताएं यानी कि वैरायटी ऑफ थिंग्स अलग अलग चीज़ें अब विविधताएं किस में हैं क्या है इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको आगे हम पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन स्टेप आउटडोर एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स यू विल सी मेनी वराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स ए टी सी स्टूडेंट्स जब आप बाहर देखते हैं या आप जब बाहर निकलेंगे अपने आस पास देखेंगे तो आपको बहुत तरह के पौ पौधे नज़र आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ कुछ पेड़ आम का नज़र आएगा कुछ आपको लीची का कुछ अमरुद का कुछ पपीते का इस तरह के कई सारे पेड़ आपको नज़र आएंगे सेम आपको इसी तरह बर्ड्स में भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं तो जैसा आपको पता ही है कि पैरोट है पीजन है क्रो है ठीक है हैन है कॉक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स में भी आप देखेंगे काउज है आपको है डॉग है कैट है रैट है लाइन है टाइगर है तो आपको ये वैरायटी ऑफ बर्ड्स वरायटीज़ ऑफ प्लांट्स वराइटीज़ ऑफ़ ट्रीज नजर आएंगे दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी इसे ही हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं यानी कि विविधताएँ यानी कि वराइटीज़ ऑफ थिंग्स वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स वराइटीज़ ऑफ़ एनिमल्स जिससे हमारा इन्वामेंट क्या होता है कि ये आपको इन्वायरमेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं बहुत खूबसूरत लगता है एक ही तरह का कोई चीज़ अगर हम देखेंगे तो हम बोर हो जाते हैं उसी तरह हम लोग जब हम खाना खाते हैं अगर एक ही तरह का हम आपको खाना दिया जाए या हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स का हम लोग खाना खाते हैं तो कभी हम सब्ज़ी लेंगे सब्ज़ी में भी डिफरेंट तरह के सब्ज़ी होते हैं कभी हम लोग मांस लेते हैं कभी अंडा कभी मछली कभी चिकन इस तरह के हम लोग खाना खाते हैं तो वैराइटी ऑफ देखते हैं फूड्स हमको मिलता है जिससे हमारा क्या होता है खाने में इंटरेस्ट जागता है अगर एक ही तरह का आपको हर टाइम दिया जाए तो आपको ये बोरिंग लगेगा उसी तरह हमारा इन्वायरमेंट भी अगर एक ही तरह का हर चीज़ आसपास में नज़र आए तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा बोर हो जाएगा हम लोग ये उग जाएँगे एक ही चीज़ को देख देख करके ओके सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द पीपल अराउंड यू यू विल नोटिस डैट द ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर दे लुक डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज़ फ़ॉलो डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन उसी तरह जब हम अपने आस पास देखते हैं तो हमारे आस पास में देखेंगे हर तरह के लोग हैं कुछ आपको छोटे नजर आएंगे कुछ लंबे नज़र आएंगे कुछ मोटे नज़र आएंगे कुछ आपको गोरे हैं कुछ काले हैं तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के आप अपने फ्रेंड्स को ही देखिए कोई एक जैसा नहीं होगा सब थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी तरह तरह के होंगे कुछ के कपड़े अलग तरह के होते हैं कुछ की बोली अलग तरह की होती है कोई मराठी बोलता है कोई गुजराती बोलता है कोई तेलुगु बोलता है तो डिफरेंट लैंग्वेज फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन के होंगे देखेंगे आसपास में कुछ हिंदू होंगे कुछ मुस्लिम होंगे उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं देखते हैं कुछ दिवाली मनाते हैं कुछ ईद मनाते हैं कुछ होली मनाते हैं तो अलग अलग फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग धर्म को मानते हैं प्रैक्टिस करते हैं हिंदुओं में भी देखते हैं कि शादी अलग तरीके से होता है मुस्लिमों में अलग होता है क्रिश्चनों में अलग सिखों में अलग तो इस तरह का वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड Us. तो हम लोग इस तरह के जो देखते हैं यही हमारा जो है सोसाइटी यही डाइवर्स सोसाइटी कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी इसे हम लोग क्या कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं यानी कि विविधताएं तो ये सारे कल्चर्स जो है या लैंग्वेज है यही हमें क्या करता है एक खूबसूरत सा सोसाइटी क्रिएट करता है जहाँ हम लोग रहते हैं स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी इन आवर लीव्स हमारे रहने सहने में हमारे रहन सहन में हमारे बोलने चालने में क्या डाइवर्सिटी होता है अब इस टॉपिक में हम इसको समझेंगे ह्यूमन बीइंग्स आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इंसान एक दूसरे में देखने सुनने में थोड़ा अलग होते हैं माँ देखने में अलग लगेंगे फादर देखने में अलग लगेंगे हमारे जितने भाई बहन होते हैं दोस्त यार होते हैं आसपास में जितने भी लोग होते हैं तो सब एक दूसरे के बिल्कुल अलग लगते हैं देखने में कोई गोरे होंगे कोई काले होंगे कोई लंबे होंगे कोई नाटे होंगे कोई मोटे होंगे कोई दुबले पतले होंगे तो देखने में कोई एक जैसा हुबहू नहीं लगता है वी ऑल कैरी डिफरेंट जीन्स डैट डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइक आवर फिज़िकल एपियंस एज वेल एज आवर नेचर टू एक्सटेंट हम सभी अपने मदर फादर के जीन्स के हिसाब से ही हमारा शक्ल सूरत होता है सपोज़ मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा शक्ल सूरत इंडियन जैसे लगते हैं तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सब आपको एक जैसे थोड़ा मिलते जुलते होंगे लेकिन वही अगर चाइनीज़ होंगे तो वहाँ के बच्चे को देखिएगा तो बिल्कुल अलग एकदम डिफरेंट होंगे है तो वो भी इंसान सेम लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है तो ये उनमें डाइवर्सिटी है जब हम अमेरिकन को देखते हैं तो वो भी हमसे थोड़ा सा अलग रहते हैं उनका कल्चर भी अलग होता है उनके बोलने का स्टाइल भी अलग होता है उनका पहनावा भी अलग होता है तो ये सब डाइवर्सिटी है पीपल विथ फिजिकल एंड इंटेक्चुअल डिफिकल्टीज ऑफ एन लुक एंड स्पीक वेरी डिफरेंटली एव फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम अब हमारे ही आस पास में देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ देख नहीं सकते हैं कुछ बोल नहीं सकते हैं किसी में चलने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी होता है तो इस तरह के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे पीपल लिव इन आवर सोसाइटी इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे रहते हैं पीपुल ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन वे ऑफ लिविंग फेथ एंड बिलीव दीज डिफ्रेंस मेक ह्यूमन बींग्स यूनिक अब देखेंगे कि हमारे आस पास में जितने भी लोग होंगे सब क्या जो का जो रोजगार होता है काम काज वो भी अलग होता है वो भी सेम एज एक जैसे नाने सब हैं तो सब डॉक्टर ही नहीं होंगे या सब हैं तो सब टीचर भी नहीं हैं कुछ टीचर्स मिलेंगे कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे कुछ मिस्त्री हैं कुछ कारपेंटर हैं कुछ आपको देखिएगा मैसन होगा जो हमारा घर बनाता है कुछ पेंटर मिलेगा जो हमारे घर का पेंट करते हैं तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी आपको देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं तो इसमें भी वैरायटी हो गया यानी कि डाइवर्सिटी हो गया एक ही जैसा अगर होता अगर तो काम ही नहीं चलता अगर सब डॉक्टर होते थे, हैं तो पढ़ाते कौन फिर हमारा घर कौन बनाता अगर सभी टीचर्स होते हैं तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कौन करते हैं इलाज कौन करते हैं तो इस तरह से हमारे देखेंगे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन है जो हमारे क्या बनाता है हम जैसे इंसान को एक यूनिक बनाता है एक नयापन आता है उसमें तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं और जैसे हमारा सोसाइटी जो है वो आपको अच्छे तरह से सरवाइव कर सकते हैं हम वहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी अब इस टॉपिक में समझेंगे स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव पड़ता है तो हम देखेंगे डायवर्सिटी को हम अगर अच्छे सेंस से भी देखते हैं तो इसका नेगेटिव सेंस भी है माने डाइवर्सिटी होना तो अच्छी बात है कि अगर हमको फल ही है तो हर तरह के फल खाते हैं अच्छा लगता है सब्ज़ी है तो सब्ज़ी हर तरह के हैं पेड़ पौधे तो सब तरह के रहते हैं लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ थोड़ा भेदभाव यानी कि अनजस्ट होता है इनक्वलिटीज़ होते हैं अब उसके बारे में समझेंगे डाइवर्सिटी इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ इन कॉज इनक्वलिटी अब इसी समाज में देखिएगा कि किस तरह से भेदभाव भी होता है यानी कि डिफरेंस भी होते हैं तो जैसे आपको सोशली सामाजिक तौर पर इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक तौर पर तो हमारे ही सोसाइटी में देखेंगे कुछ लोग अमीर हैं जिनकी लाइफ अलग है उनके बच्चे अच्छे खासे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं फिर इसी सोसाइटी में हम देखेंगे कि आस में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास सही कपड़ा नहीं है या कपड़ा ही नहीं है और खाना भी एक टाइम का भी नहीं सही से खा पाते ना वो स्कूल जा पाते हैं तो इस तरह का भी बहुत सारा डाइवर्स है यानी कि इनिक्वलिटीज़ के कारण एन अनफेयर सिचुएशन ऑकर वेन सम पीपल हैव मोर राइट्स और बेटर अपॉर्चुनिटी और सोर्स दैन अदर्स तो उनके पास क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बेटर रिसोर्स है जैसे हमारे माँ बाप के पास बेटर रिसोर्स था अच्छी इनकम थी अच्छी नौकरियाँ थी तो हमें पढ़ाइन हम पढ़े लिखे हुए अच्छे सभ्य हुए अच्छा खाते अच्छा पहनता है लेकिन हमारे ही आस में जब हम देखेंगे कि उनके फादर के पास रिसोर्स ना होने के कारण उनके पास अच्छी नौकरी ना होने के कारण उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो इस तरह के भी सोसाइटी में बहुत सारा डाइवर्स है जो कि नहीं होना चाहिए था तो पॉवर्टी के कारण यानी कि गरीबी के कारण ठीक है या उनको सही से रिसोर्स न मिलने के कारण तो अनजस्ट भी कई जगह होता है और कास्ट वाइज़ तो बहुत ज़्यादा होता है हिंदुस्तान में अब तो थोड़ा कम हो थो गया है पहले तो कास्ट वाइज बहुत होता था अपर कास्ट लोअर कास्ट को उतना रिसोर्स नहीं दिया करते थे या उनको पढ़ने से या उनको अच्छे खाने पीने से रोका करते थे और एक तरह से मजदूर बना के रहते थे जिसमें सिजुल कास्ट जो है सीजुल ट्राइब से हो गया एस टी एस टी उस सब में आ जाते हैं ओके स्टूडेंट्स डायवर्सिटी इन इंडिया अब जानेंगे स्टूडेंट्स कि इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या मतलब है यानी कि इंडिया में विविधताएं क्या हैं इंडिया हैज़ ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज तो जैसा कि हम लोग को पता ही है स्टूडेंट्स कि भारत में 28 स्टेट हैं और नाइन यूनियन टेरिटरी है। अ वाइटी ऑफ फैक्टर मेक इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ तो इसी कारण इंडिया को क्या कहा जाता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो हिंदुस्तान की जैसा देश हो यानी कि इंडिया जैसा देश हो जहाँ इतने सारे कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं इतनी सारी बोली बोलने वाले रहते हैं हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है हर स्टेट का अपना एक कल्चर है खाने पीने से लेकर के बोलने से लेकर के तो हर तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग ठीक है कहीं आपको ठंडी है कहीं गर्मी है कहीं पहाड़ी इलाका है कहीं मैदानी इलाका है कहीं रेगिस्तानी एरिया है तो देयर आर वेरिएशन इन जियोग्राफिकल फीचर्स क्लाइमेट कंडीशन फिजिकल एपियंस ऑफ द पीपल कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी देयर इज अ बेसिक यूनिटी इन आवर कंट्री तो इतनी सारी विविधता होने के कारण भी हमारा देश क्या है एक यूनिटी में बना हुआ है यानी तब भी हम लोग एक जगह रहते हैं और यहाँ सब यूनाइट रहते हैं एक जैसे तो इतने सारे कल्चर्स को फॉलो करने के बावजूद इतने सारे लैंग्वेज को फॉलो करने के बावजूद दुनिया में जितने भी रिलीज़न है लगभग लगभग लग सभी मेन आठ रिलीजन के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं फिर भी हम सब यहाँ यूनाइट हैं और एक है तो ये हमारे देश की खूबसूरती है तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री स्टूडेंट्स यू नो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलर तो सेकुलर मीन्स होता है न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म का या एक धर्म के मानने वालों का देश नहीं है यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे संविधान के हिसाब से इस देश में रहने वाले सभी लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं वाइल हिंदुज़्म द रिलीज़न प्रैक्टिस बाई मेजोरिटी ऑफ पीपल अदर रिलीजन सच एज इस्लाम क्रिस्नेिटी सिखिज़म जोरिज्म बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्मो फ्लोराइज इन इंडिया तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस का जो रिलीज़न है वो है हिंदुज्म यानी यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की है फिर आते हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले यानी कि मुस्लिम है फिर क्रिश्चियन है सिख है तो बहुत सारे धर्म के यहाँ लोग लगभग लगभग आठ मेन प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अपने कस्टम के हिसाब से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम ट्रेडिशन फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो हर धर्म का अपना एक तरीका होता है पूजा पद्धति का कुछ लोग मंदिर में जा पूजा करते हैं कुछ मस्जिद में जा करके नमाज अदा करते हैं कुछ चर्च में जा करके प्रे करते हैं कुछ गुरुद्वारे में जा कर कीर्तन वगैरह करते हैं तो ये सब छूट हमारे संविधान में हमें दिया है इसीलिए हिंदुस्तान को यानी कि इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स होता है लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डेट वी स्पीक इन इंडिया तो अलग अलग तरह की भाषाएं, तो भाषाओं में भी कई सारे विविधताएं हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हम कई तरह की भाषाएं बोलती हैं और एक ज़माना था लगभग हिंदुस्तान में आपको 2000 तरह की भाषाएं बोली जाती थी तो सब भाषाओं को तो ऑफिशल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता था तो उसमें से मेन आपको ट्वेंटी लैंग्वेज सेलेक्ट किया गया ओके a number of languages and dialects are spoken by the people of india the constitution of india recognized 22 languages such as bengali gujarati Kannur and konkani as official language hindi is the main official language while english is the secondary official language this linguistic diversity has added a great variety to indian literature तो स्टूडेंट जैसा कि हमको पता ही है कि संविधान के हिसाब से 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया जिसमें बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी हमारा मेन लैंग्वेज है जिसमें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी बोलते हैं हम लोग उसके बाद इंग्लिश को सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है और इसके बाद अलग अलग स्टेट में जिस तरह के जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ उस तरह की भाषाएँ बोलते हैं जैसे कोई गुजरात में है तो गुजराती बोलते हैं ज़्यादातर कोई महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलते हैं हम लोग बिहार में है तो हम लोग मैथिली वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं कोई बंगाल में होगा तो बंगाली यूज़ करते हैं ज़्यादा तो वो रीजनल रिज, रिज, लैंग्वेज पर भी ज़्यादा फोकस रहते हैं तो ये हो गया डाइवर्सिटी कौन सा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो हिंदुस्तान क्या है कई भाषाओं का भी देश कहलाता है ओके स्टूडेंट्स कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल रेफर टू द आइडियाज कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी आवर कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट लाइक म्यूजिक डांस क्लॉथ एंड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री अब देखेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है अब इसको समझें तो कल्चर में जानते ही हैं रीति रिवाज़ रहन सहन खान पान ठीक है तो हिंदुस्तान में देखेंगे कि हर तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं तो यहाँ का चाहे वो म्यूज़िक हो डांस हो क्लॉथ्स हो फूड हैबिट्स हो ये सब अलग अलग है डिपेंड करता है हम किस स्टेट में रहते हैं तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है या ईटिंग हैबिट्स होते हैं डांस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस एंसियंट टाइम तो डांस एक ऐसा कल्चर है जो हज़ारों साल से चला आ रहा है द क्लासिकल डांस फ्रॉम इंक्लूड भरतनाट्यम कथकली कली उड़ीसा उड़ीसी मनीपुरी कुचिपुड़ी ये सब डांस फॉर्म जो है जो आपको काफ़ी साल पुराना है यानी कि ये कहा जाता है कि हज़ारों साल हो गया म्यूज़िक में भी आपको देखेंगे कि म्यूज़िक भी बहुत पुराना है म्यूज़िक एंड डांस गो हैंड इन हैंड ठीक है तो हज़ारों साल से ये चला आ रहा है एक से दूसरे दूसरे से तीसरे इस तरह करके तो गुरु शिष्य के ज़रिए ये फैलता चला आ रहा है देर आर टू मेन स्कूल ऑफ़ म्यूज़िक इन इंडिया और हिंदुस्तान में जो है ख़ास करके दो स्कूल ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है नॉर्थ इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड हिंदुस्तानी और वाइल द साउथ इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड कार्नेटिक तो दो स्कूल है जिसको याद रखेंगे हम लोग हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लाइमेट एंड लोकेशन डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ क्लॉथ पीपल वियर इन पर्टिकुलर प्लेसेस अब आएंगे कि हम लोग कपड़े कैसे पढ़ते हैं तो कपड़े पहनने का मतलब हुआ कि यहाँ जो कपड़ा पहनते हैं वो हम डिपेंड करता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ क्लाइमेट कैसा है अगर ठंडी में हम रहते हैं तो गर्म कपड़ा पहनते हैं उन्हीं कपड़ा पहनते हैं गर्मी का है तो लाइट कॉटन क्लॉथ्स हो गया है और रेनी सीजन होता है तो पता ही है कि गम्बुज हो गया रेनकोट हो गया अम्ब्रेला हो गया ये सब यूज़ करते हैं या हिंदुस्तान में भी आपको कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ गर्मी पड़ता है कई जगह ठंडी पड़ता है कुछ पहाड़ी इलाका है जहाँ ठंडी है तो एक ही टाइम में हम देखेंगे कि अलग स्टेट में लोग अलग तरह के कपड़ा पहन रहे हैं और दूसरे स्टेट में जब पता चल रहा है कि ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ उस तरह के कपड़ा पहन रहा है फूड ईटिंग हैबिट्स तो पता ही है कि अलग अलग स्टेट में बहुत सारे फूड्स जो है वो पॉपुलर होते हैं जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है छोले भटूरे पंजाब का देखिएगा ठीक है बड़ा पाव हो गया तो इस तरह का जो खाना है वो अलग देखेंग, अलग देखेंगे अलग अलग स्टेट का पॉपुलर है अ लार्ज वैराइटी ऑफ फूड्स आइटम आर अवेलेबल इन इंडिया द फूड ग्रेन पल्सेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रो ऑन वेरी प्लेस फ्रॉ टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट सीजन एंड लैंडफॉम अलग अलग सीजनों में अलग अलग तरह का हम लोग को फूल मिलता है फल मिलता है सब्जी मिलता है तो ये सब वैराइटीज़ हैं जो कि हमारे देश को और खूबसूरत बनाता है और हमें अलग अलग तरह के चीज़ को खाने को भी मिलता है तो ये सब चीज़ है आपको वैरायटी ऑफ कल्चर ओके स्टूडेंट्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भौगोलिक विविधताएं। स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक में देखेंगे कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है Geographical and climate conditions determine the economic activities of a region. People live near the coastal area, for example, engaging in fishing and trading activities. In cold mountain regions, rearing animals such as sheep and yak is the chief occupation. These different geographical and climate conditions influence the diet, dress, custom, and culture of the people. स्ट्रो एन समझेंगे कि हिंदुस्तान में अलग अलग पार्ट में देखेंगे अलग अलग तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं और रोज़गार वगैरह करते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी कि समुद्र के आसपास या समुद्र के करीब रहते हैं तो हमारा मेन जो ऑक्युपेशन होगा यानी कि रोजगार होगा वो होगा फिशिंग उसी तरह अगर कोई पहाड़ी इलाका में होंगे तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होगा शिप से याक से जी ऊन निकालना और गर्म कपड़े बनाना मैदानी इलाका में हम लोग रहते हैं तो ज़्यादातर देखते हैं खेती बाड़ी है सब का यूज़ करते हैं तो यहाँ का रहन सहन पहाड़ी इलाकों का रहन सहन कल्चर अलग होता है मैदानी इलाकों का अलग होता है उसी तरह कोस्टल एरिया का जाएंगे तो वहाँ का खान पान या फिर आपको रहन सहन कल्चर बिल्कुल डिफरेंट मिलता है तो जिसे हम लोग जियोग्रफ़िकल डाइवर्सिटी कहते हैं तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों का रहन सहन खान पान बिल्कुल अलग होता है तो जो केरल में रहते होंगे तो उनका रहन सहन उनका लैंग्वेज उनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा कोई लद्दाख में रहते होंगे कोई जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं कोई बिहार में रहते हैं कोई महाराष्ट्र में रहते हैं तो इन सभी का लाइफ जो होता है कल्चर होता है वो सब बिल्कुल डिफरेंट होता है और यही चीज़ जो हमारे देश को एक खूबसूरत बनाता है तो इसको हम लोग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहते हैं ओके स्टूडेंट्स द लास्ट टॉपिक इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता दिस कॉमन कल्चर बैकग्राउंड क्रिएटेड इंडिया एंड गेव इट एन इम्प्रेस ऑफ यूनिटी इन स्पाइट ऑफ इट्स डाइवर्सिटी इतनी सारी विविधता होने के बाद भी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है एक यूनाइट कंट्री कहलाता है यानी कि इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हमारा देश क्या है एकता से जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज़ द वन हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपनी किताब में भी इस फ्रेज इस लाइन को लिखा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो उनकी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसपे इस पर खास जोर दिया गया था इमेजिन डेट देयर वॉज ओनली वन ऑफ फ्लोरा एंड ऑल ओवर द पीपल अराउंड द लुक तो कल्पना कीजिए काश अगर ऐसा होता कि एक ही तरह के फल होते हैं या एक ही तरह के फूल होते हैं या एक ही तरह के लोग आपके आसपास में होते तो आपको कैसा लगता है हाउ डल एंड बोरिंग डैट वी तो मतलब कितना बोरिंग लगता कितना डर लगता एक ही खाना आपको हर वक्त एक ही चीज़ मिलता तीनों टाइम तीसों दिन सालों भर तो कितना बोरिंग लाइफ हो जाता तो डाइवर्सिटी की ख़ूबसूरती देखिए क्या है कि अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं अलग अलग तरह की बोली बोलते हैं अलग अलग तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं अलग अल अलग तरह के कल्चर्स को फॉलो करते हैं तो इससे हमारा देश और ख़ूबसूरत होता है सोसाइटी और ख़ूबसूरत होता है और हमारा लाइफ भी और ठीक है ये निखर के आता है फूल में ही देख लीजिए अगर एक ही तरह का फूल हो तो कैसा लाइफ डल हो जाएगा लेकिन जब एक ही गुलदस्ता में अलग अलग तरह के फूल होते हैं तो वो गुलदस्ता कितना खूबसूरत लगता है तो हमारे देश में भी अलग अलग तरह के कल्चर को मानने वाले लोग हैं अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं अलग अलग बोली बोलने वाले हैं तो ये हमारा देश इसीलिए इतना खूबसूरत देश कहलाता है डिस्पाइट द डाइवर्सिटी देर इज़ ए स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल ऑफ़ इंडिया तो इतनी सारी डायवर्सिटी होने के बावजूद भी विविधता होने के बावजूद भी एक चीज है जो हिंदुस्तान को जोर के रखता है वो है वो यानी एकजुटता तो यही इस देश की खूबसूरती है एन एग्जाम्पल टू शो दिस यूनिटी इन डायवर्सिटी इज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल और यही खूबसूरती तब दिखाई दी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग सभी लोग ने मिल कर के इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया अगर इसमें सिर्फ अगर कोई एक ही कौम के होते हैं या एक ही रिलीजन के होते हैं तो ये देश कभी आज़ाद नहीं होता इसमें हम सभी ने मिल कर के इस देश को आज़ाद कराया तो ये इस देश की एक खूबसूरती थी तब ये जाकर के देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के ग़ुलामी से डूरिंग दिस पीरियड द इंडियन बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन रीजन एंड कास्ट केम टूगेदर टू फाइट द ब्रिटिश इसीलिए सब लोगों को कहा गया कि हम सब मिल कर के हर कास्ट के हर रीजन के लोग एक जगह इकट्ठे हुए तब जाके ब्रिटिश से हम लोग देश को आज़ाद करा सकते हैं और फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ ओके okay, स्टूडेंट्स

धर्मों का सभी के विश्वास का सभी के कल्चर को आदर करना चाहिए सम्मान देना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी और भी बेहतर बनेगी और हमारा कल्चर जो और भी निखरेगा और हमारा देश भी और भी निखरेगा ओके स्टूडेंट्स थैंक्स यू सो मच गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ कंप्लीटली हेल्पफुल टू यू थैंक्स यू स्टे होम स्टे सेफ